नमस्कार दोस्तों, असम पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ हिंसा में शामिल होने के आरोप में मंगलवार को FIR दर्ज करवाई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने ये जानकारी दी। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय असम में है। हिंसा की कथित घटनाएं उस समय हुई जब पार्टी समर्थकों और नेताओं ने गुवाहाटी में प्रवेश करने की कोशिश में बैरिकेड तोड़ दिए और पुलिसकर्मियों के साथ झड़प की। अपने तमाम बयान में आजकल राहुल गांधी CM शर्मा को भ्रष्ट बता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि उनके नेतृत्व में असम का हाल बेहाल है, जहां युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है और किसान परेशान हैं। उन्होंने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि असम में न्याय यात्रा में बाधा डाली जा रही है। साथ ही उन्होंने CM शर्मा को भ्रष्ट करार दिया और कहा कि जब वो लोगों से बात करते हैं तो वो CM की शिकायत करते हैं। उन्होंने कहा कि असम में न्याय यात्रा में बाधा डाली जा रही है। साथ ही उन्होंने CM हेमंत विश्व शर्मा को भ्रष्ट करार दिया। राहुल गांधी का कहना है कि जब वो लोगों से बात करते हैं तो वो CM की शिकायत करते हैं। उन्होंने कहा कि असम में बहुत बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई है। वहीं असम पुलिस का आरोप है कि राहुल गांधी की के यात्रा के लिए जो रूट तय किए गए थे उसके इतर उन्होंने दूसरा रूट लिया। उन्हें एडवांस सिक्योरिटी भी दी गई थी। बकौल असम पुलिस, जब यात्रा NH-27 पर खानापारा ट्रैफिक पॉइंट के पास पहुंची तो प्रशासन को आश्चर्य हुआ। राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने आपराधिक साजिश के तहत भीड़ को उकसाया और उन्हें रास्ते से भटका कर गुवाहाटी शहर की ओर ले गए। बहरहाल आपको बताते चलें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हुई है और फिलहाल असम में है। इस बीच कांग्रेस का आरोप है कि राज्य में यात्रा को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यात्रा पर हमले हुए, पार्टी के पोस्टर फाड़े गए। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि BJP के कार्यकर्ताओं ने किसी के इशारे पर इन हमलों को अंजाम दिया है, जहां वो मोदी मोदी के नारे लगाते भी नजर आए। राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के एक नेता का हाथ दिखाया जो कथित रूप से हिंसा में घायल हो गए थे। बहरहाल फिलहाल मल्लिका अर्जुन खड़गे ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। इस पूरे मामले में उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने के आरोप भी लगाए हैं, उन पर एक्शन लेने की मांग की है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।